तो गाइस, तो आज हम लोगों का जो वार था गाइस पाकिस्तान क्लैन के साथ था। एंड आप लोगों को तो पता ही है, अगर पाकिस्तानी सामने हो इंडियन के सामने तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था एंड गाइस कैसे रोंदे थे पाकिस्तानियों को। सबसे पहले नंबर एक के ऊपर चलते हैं, अटैक नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्लैन का लोकेशन क्या है। पाक फौज लिखा हुआ है तो भाई इसको तो छोड़ना है ही नहीं। सिंपल से क्लैन के अंदर गया, फिर भी मैं देखा थोड़ा सा इनका डिटेल्स। क्या लैंग्वेज है? इंग्लिश। पाकिस्तानियों को इंग्लिश भी आता है, चलो ठीक है। क्लैन लोकेशन है पाकिस्तान, इसको देख के घूम गया मेरा शेर। इसको टारगेट था पूरा 90 के 19 स्टार्ट ठोकेंगे, पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक के चलते 88 में जाके अटक गया, क्योंकि थोड़ा अटक इधर उधर हो गया था। क्या हुआ था देखेंगे बाद में, अटक तो बाद में देखेंगे, पहले पाकिस्तानियों को कैसे रौंदा है वो तो देखो। चलो यहाँ पे चलते हैं गाइस, इन लोगों का बेस देखो गाइस, 3 स्टार। भाई 30 मेंबर का वार था एंड 30 के 30 बेस 3 स्टार होने के कगार पे था। यहाँ पे एक स्टार मिस कर दिया था यहाँ पे कार्तिक भाई ने, इसको भाई यही बोलूँ मैं। और यहाँ पर डार्कनेस पड़े 93%, क्या भाई 7% नहीं कर सकते? और चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को बेस को भी फोड़ा था। तो गाइस यहाँ पे जो बेस डिफेंड किया ना, यहाँ पे बीच में ये मेरा वाला बेस एक डिफेंड कर गया, पूरा एक स्टार मारा था भाई बहुत अच्छा। यहाँ पे जॉय भाई का बेस को भी एक स्टार मारा था बहुत अच्छा। एंड यहाँ पे गाइस 2 स्टार का एक एक करके 2 बेस मार दिया। एंड भाई उसके बाद जब देखा कि वार हो नहीं पा रहा तो छोड़ दिया, अटैक ही नहीं किया, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम लोग का एक बेस डिफेंड कर गया था। तो चलो थोड़ा बहुत अटैक देखते हैं कि भाई हम लोग का बेस का अटैक तो नहीं देखेंगे, उन लोगों के बेस के ऊपर जो अटैक हुआ था वो देखेंगे। चलो नंबर 2 के ऊपर अटैक किया था डार्कनेस फाइटर जी ने, देखते हैं गाइस TH-14 vs TH-14। तो इलेक्ट्रिक ड्रैग अटैक है, नॉर्मल से ज़्यादातर बंद हम लोग क्लैन में इलेक्ट्रिक ड्रैग ही करता है, बहुत कम ही है जो कि दूसरा करता है, ड्रैगन वगैरह करता है, पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ड्रैग। सबसे पहले पापा मोगाम्बो स्टाइल का इलेक्ट्रिक ड्रैग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। डार्कनेस फाइटर जी की तरफ से वार्डन आ चुका है, ब्लिंप आ चुका है, एबिलिटी आ जाएगा दोनों स्पेल एबिलिटी बैस पापा मोगाम्बो स्टाइल। एंड यहाँ पे किंग क्वीन गाइस एन तक मचा रहेगा, किंग क्वीन जाके ट्रिपल मरेगा बेस को, यही पापा मोगाम्बो का स्टाइल है। एंड इसी से स्टाइल से ज़्यादातर बंदे हम लोग क्लैन में अटैक करते हैं गाइस। देखो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाएगा अटैक। सिंपल से भाई यहाँ पे आके थोड़ा सा आर्मी फंस चुका है कोर में, क्या ये ट्रिपल हो पाएगा? अरे ट्रिपल तो हो ही चुका है गाइस, मैं भी क्या ही बक रहा हूँ, ट्रिपल तो हो ही चुका है। और कैसे हुआ भाई, ज़्यादातर आर्मी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोर में आके पूरा फंस गया था, यानी यहाँ पे सिंगल भी मचा रहेगा, तो फिर ट्रिपल किसने किया? एंड किंग भी मरने के कगार पे है भाई, किंग क्वीन रहता है एंड तक। यहाँ पे कैसे, अच्छा यहाँ पे फ्री स्पेल का बेहतरीन इस्तेमाल, जहाँ पे लगता है मुझे कि सिंगल आ गया था, नहीं आया था भाई, फिर सिंगल कैसे आया? सिंगल आया तो आया कैसे, यहाँ पे सिंगल ने पकड़ लिया था। ओह एबिलिटी के अंदर आ गया था, बाले वाला के एबिलिटी के अंदर। एंड भाई जो डिफेंस मचा हुआ है ये तो भाई क्वीन का बाएं हथेली का काम है, कुछ ट्रूप चाहिए नहीं भाई, क्वीन इसके लिए काफ़ी है। देखो क्वीन कैसे तोड़ेगा सब, भाला वाला यहाँ पे थोड़ा सा डांसिंग कर रहा था, यहाँ पे डांसिंग का मज़ा लेते हुए हवाई डांसिंग। एंड यहाँ पे गया अर्चा टावर एंड यहाँ पे एक एक्सबो रह चुका है, जो कि कोई दिक्कत नहीं था, क्वीन के एबिलिटी में आराम से आ जाता, पर यहाँ पर भाला वाला बोला भाई क्यों ही क्वीन को दर्द देना है, आराम से निकाल दिया भाला वाला यहाँ पे हम लोगों का। चलो यहाँ पे लास्ट भाला फेंका एंड ये ख़त्म। एंड गाइस अब चलते हैं दूसरे अटैक की तरफ। दूसरे अटैक किसके तरफ से आया था? नंबर 3 के ऊपर भास्कर मेरे तरफ से आया था। चलो देखते हैं रिप्ले। एंड गाइस यहाँ पर भी TH-14 का बेस था, मेरा भी TH-14 ही है। अरे भाई ये कौन सा आर्मी लेके मैंने घुस गया यहाँ पे, गलती से तो नहीं आ गया ना ये भाई? सीज मशीन देख के मुझे डर लगा, अच्छा मैं बिलिम में चेंज कर लिया था बाद में, वो दिखाने के लिए होता है। चलो गाइस यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय हो चुका है, किंग भी डिप्लॉय हो चुका है। एंड गाइस आराम से फोड़े थे भाई सब, पूरा का पूरा अटैक जितना भी देखने के लिए मिलेगा पापा मोगाम्बो स्टाइल मिलेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पापा मोगाम्बो देख सकते हो, दोनों तरफ से फनल किया जा रहा है आराम से। पापा मोगाम्बो भाई इतना फनल नहीं लेता, थोड़ा सा फनल लेता है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही फनल लेता है, क्योंकि हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक ड्रैग ज़्यादा ही भटकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्वीन का एबिलिटी का भी इस्तेमाल हो गया गलती से, होना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि किंग दूसरी तरफ भटक गया भाग गया, पर क्वीन को यहाँ पे बचा लिए थे वार्डन एबिलिटी ने, ठीक है भाई। क्वीन को मरने नहीं देना है, क्वीन मर गया तो भाई अटैक खत्म हो जाएगा, क्वीन को भाई लास्ट तक जिंदा रखना है एंड ब्लिम को सही नतीजे पे पहुँचना है, तब जाके अटैक रिफिल होता है। ब्लिम बस पास हो जाए उसके बाद भाई अटैक में कुछ बचता ही नहीं, आराम से रिफिल। देखो एक और रेज आएगा यहाँ पे, बस रेज करता हूँ यहाँ पे, एक और रेज एक बस
पूरा का पूरा कोर खत्म कर दिया एक, एंड यहाँ पे क्वीन के ऊपर पी देना ही था क्योंकि क्वीन जिंदा रहेगा तो भाई दिमाग खराब कर देगी लास्ट में जाके। और एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन का फूंक काफी है, देख सकते हैं बस देखते देखते खत्म हो चुका है। वैसे यहाँ पे एक सिंगल रहेगा जो कि भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसके एबिलिटी में आ जाएगा भाला वाला की एबिलिटी में, एंड भाला वाला यहाँ पे आर्मी के साथ रिप्ले कर दें क्योंकि मेरा जो है किंग मर चुका है तो क्वीन मचा हुआ है, एंड क्वीन भाई एंड तक मचा रहेगा पूरा फुल हेल्थ के साथ क्योंकि भाई भाला वाला चल रहा है सामने सामने, क्वीन आ रहा है क्लीन अप करते हुए, एंड उसके साथ भाई दर्जन भर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डैग भी मचा हुआ है। इलेक्ट्रिक डैग थोड़ा बाहर भटक गए थे, अगर कोर में आता ना तो और मज़ा आता भाई। इसको एक एक मिनट में ट्रिपल मारते, डेढ़ डेढ़ मिनट में जो ट्रिपल मारा है ना एक एक मिनट में ट्रिपल मारते, पर कोई ना भाई थोड़ा सा भटक गया था इतना फाइनल लेने के बाद भी, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही फाइनल लेते हैं। मोगाम्बोजी भाई तो लेजेंड है ऐसे भाई पता नहीं, थोड़ा सा फाइनल में ही इलेक्ट्रिक डैग को बचाने से बचा लेते, पर हम लोग भटक जाते हैं भाई, इसलिए लंबा चौड़ा फाइनल लेते हैं फिर भी भटक जाते हैं क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक डैग अटैक में ना भाई फेल होने का चांसेस बहुत बहुत फेल होने के चांस फेल होने के चांस लंबा चढ़ा भाई अच्छे से खाने लेते हैं, उसके बाद आराम से घुसाते हैं एक मिनट में ट्रिपल की जगह डेढ़ मिनट में, कोई बस ट्रिपल ना चाहिए। उसके बाद अगर इस नंबर चार के ऊपर यहाँ पर भी मैंने ही अटैक किया था इलेक्ट्रिक अटैक, ये भी खतरनाक वाला अटैक यहाँ पे बेस नूड़ा वाला था बिल्कुल, देखिए लग रहा था कि भाई आराम से ट्रिपल हो जाएगा पर ऐसा है नहीं क्योंकि भाई मेरा ब्लिंक फंस गया था यहाँ पे, टाउन वाला आया नहीं था फिर भी इसको ट्रिपल मार दिया कैसे भी करके इधर उधर कर। एंड गाइस ये जो बेस दिख रहा है नुबड़ा सा वाला भाई बहुत खतरनाक ट्रैप यहाँ पे फंस के रखे हैं बंदे ने, देखो सबसे पहले किंग क्वीन से फाइनल, इधर से बेबी ड्रैगन से फाइनल, एक बेबी ड्रैगन से फाइनल लेता है, मैं यहाँ पे दो दो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा फाइनल चाहिए। एंड यहाँ पे किंग क्वीन का भिड़ंत हो रहा है किंग वर्सेस किंग, किंग का तो भाई किंग कमज़ोर सा है भाई, 52 लेवल का है मेरा, ये 36 लेवल का नुबड़ा था, एंड इधर से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक ड्रैगन आ चुका है, पीछे से वार्ड एंड एंड ब्लिम, एंड यहाँ से मेरा लून जो है थोड़ा सा जल्दी भाग गया था इसलिए भाई वार्डन एबिलिटी के अंदर लून आया नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं मेरे इलेक्ट्रिक ड्रैगन का भाई कोई कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रिपल हो चुका है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिम का स्टेल हो चुका था पर कैसे भी करके निकाल लिया, ब्लिम फेल हो चुका है थोड़ा सा पहले खुल गया था, ये ब्लिम मैंने नहीं खुला था भाई खुद से ही खुल गया था ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार दिया रेज स्पेल एंड इधर से किंग का एबिलिटी दे दिया, क्वीन भी है एंड भला वाला उधर से मैंने डिप्लाई किया था कि आराम से निकल जाए ठीक है। तो TH के लिए भाई थोड़ा सा घबराहट हो रहा था क्योंकि मेरे पास तीन तीन फ्रिज मचा हुआ था, TH तो आ ही जाता कैसे भी करके क्योंकि बहुत सारा फ्रिज था, पर गाइस उसके बाद अटैक को ट्रिपल भी करना था, उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्रैगन ने मेरा TH निकाल के दे दिया एंड भाला वाला ने जाके सिंगल निकाल दिया। एंड उधर से भाई क्वीन भाई अपना काम करते हुए आ रहा था आराम से, दो दो फ्रिज मेरे पास मचे हुए थे तो भाई कुछ दिक्कत हुआ ही नहीं, देखो एक सिंगल इलेक्ट्रिक ड्रैगन ने निकाल दिया, एक सिंगल भाला वाला ने निकाल दिया और एक ही सिंगल मचा है जिसके लिए मेरे पास दो दो फ्रिज है, तो भाई इसको भाई कैसे ट्रिपिन नहीं होता बताओ। एंड जो क्लीन अप का काम है आर्चर कर रहे थे आराम से, आर्चर का कुछ दिक्कत नहीं था, बोल रहा था भाई हम लोग देख लेंगे क्लीन अप जितना भी है आप आगे बढ़ो रो। एंड भाला वाला के पास यहाँ पर जो लोहे का कुत्ता है नहीं था पर दो दो फ्रिज था सपोर्ट के, भाई दो दो फ्रिज भाई एक सिंगल कितना मतलब कितना ही मर लेगा फिर दो दो फ्रिज रहेगा तो कुछ नहीं कर पाया भाई, बेस तो थोड़ा ढंग से बना लो पाकिस्तान वालों, और फ्रिज का स्वैग के साथ इसको ट्रिपल मारा है भाई। एंड बूम 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 गाइस यहाँ पे एक दो तीन नच्चे धिन धिन बोलते हैं ना ऐसे करके ट्रिपल मारा है भाई। एंड उसके बाद गाइस नंबर पाँच का बेस इन लोग, चलो देखते हैं यहाँ पे आकाश माता, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ड्रैगन देखने के लिए मिलेगा आप लोगों, पर ये है नुबड़ा सा बेस TH-13 वाला क्योंकि बेस ढंग से भाई डिज़ाइन करना आता भी नहीं है, आ गया और करने चलो फिर भी देख ही लेते हैं। कहाँ से अटैक स्टार्ट कर रहे हो ब्रो? यहाँ पे देखो भाई गजब बेइज्जती भाई, ब्लिम का भी यूज नहीं किया, बोल रहा है कि भाई स्टोन स्लेमर से ही फोड़ेंगे इसको। चलो यहाँ से दो लोन डिप्लॉय कर दिया बेबी ड्रैगन, हाँ एक ब्लैक, अच्छा ब्लैक माइंड ट्रिगर कर रहा था, चलो कोई ना देखते हैं कैसे अटैक आगे बढ़ा है। यहाँ पे लून का डिप्लॉयमेंट, अच्छा ये सब माइंड्स मगर भाई लून को लग जाए तो अच्छा है। वॉरन का एबिलिटी एंड गाइस दो दो रेज स्पेल आ चुका है कोर के अंदर, एंड यहाँ पे ब्लिम भी पास हो चुका है भाई विदाउट फ्रीज स्पेल, इतना रिक्स विदाउट फ्रीज स्पेल विदाउट रेज स्पेल यहाँ पे डिप्लो आउनोल फोड़ दिया इसका, क्या ही ट्रैप लगा के रखा है। अच्छा ऐसा भी होता है भाई, ऐसे कैसे होता है, मतलब विदाउट कुछ भी नहीं था इसको ट्रिपल मार दिया,
इतना बेइज्जती। थोड़ा सा ट्रैप भी नहीं लगाना था टाउन हॉल के आसपास, वह आराम से फोड़ दिया टाउन हॉल को। ब्लेम डाया गया और फोड़ दिया। ब्लेम फेल होता तो थोड़ा बहुत चांसेस रह जाता कि अटैक फेल हो सकता है, पर भाई कोई चांसेस नहीं। देखो क्वीन के ऊपर पॉइजन स्प्रे भी डाल दिया, जिसका कोई सभी जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रैगन खड़ा हुआ था, पहले से लगा हुआ था। एंड चलो भला भला तो मर गया, पर भाई इतना सारा यहाँ पे ड्रैगन बचा हुआ है कि क्या ही बताऊँ, कौन मरेगा इतना सारा। एक स्कैटर शॉट क्या ही कर लेगा भाई, कितने लोगों को मरेगा बताओ। थोड़ा सा अच्छे से लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रैप्स इन लोगों को। नुबड़ा ऐसा नुबड़ा हरकत करेगा तो कैसे वार जीतोगे पाकिस्तान वालों, इसका औकात जैसा ही इसका बेस है। देखो देखो, एंड यहाँ पर वार्डन का क्लच आया था तो भाई दो दो तीन तीन लीटर मचा हुआ था इन लोगों का। जो लाइटिंग स्पेल गिरता है ना वहीं से ये वाला फोड़ जाता, पर यहाँ पर वार्डन ने क्लच कर दिया था लीटर जाने से पहले ही, यहाँ पर भाई फोड़ दिया वार्डन ने। एंड गाइस नंबर सिक्स के बेस के ऊपर भी ऐसा ही अटैक आया था। चलो गाइस देखते हैं कैसा अटैक आया था। ये भी इलेक्ट्रिक ड्रैगन है सेम टू सेम टाइप का। चलो ये वाला नहीं दिखाएंगे गाइस, ये वाला बेस अच्छा है पर इसका वॉल मैक्स नहीं है, बाकी सारा कुछ मैक्स है। तो चलो देखते हैं कैसे अटैक किया था। अटैक फंसा नहीं था शायद, तीन तीन सिंगल है तो भाई इलेक्ट्रिक ड्रैगन थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है ये सब बेस के ऊपर। फिर भी ट्रिपल आया है तो देखते हैं। यहाँ पे किंग कोइन उतारा गया है बेहतरीन, उसके बाद लून आ चुका है, लून थोड़ा पहले डिप्लॉय कर दिया, ये थोड़ा सा बातचीत करना पड़ेगा। उसके बाद वार्डन, उसके बाद ब्लिम लून को थोड़ा सा लेट से करना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा लून गिर गया है, दो लून मचा है तो भाई ज़्यादा कुछ ट्रिगर नहीं कर पाएगा। लून मेनली भाई ब्लैक माइन और रेड माइन ट्रिगर करने के लिए होता है, थोड़ा बहुत डिफेंस भी फोड़ देता है। एंड एक स्पेल के साथ यहाँ पर टाउन हॉल को ले आ जा रहा है, पर यहाँ पर घूमना चालू कर दिया। बोला ना गाइस बेस को देख के लग रहा था मुझे कि बेस में दम है, ब्लेम को फंसा दिया था, पर लेफ्ट ड्रैगन के फूंक ने भाई यहाँ पे उड़ा डाला। एंड गाइस आ चुका है सीसी आ गया तो भाई बात ही खत्म, लेफ्ट ड्रैगन के साथ सीसी का तो कुछ पंगा रहता नहीं। अगर लावा निकल जाता है गलती से तब थोड़ा बहुत होता है क्योंकि पॉइजन रहता, अच्छा पॉइजन भी लाया था, पॉइजन का इस्तेमाल हुआ नहीं क्योंकि लावा निकला नहीं, उससे पहले इसी से फोड़ दिया। और किंग कोइन बाहर घूम रहा था, ये बहुत अच्छा बात है। एंड देखो अभी तीनों के हीरोज के पास वो एबिलिटी है, किंग कोइन भला वाला। एंड भला वाला यहाँ पे बेहतरीन कम करके दे रहा है, पर लग रहा है सिंगल इसको भाई जीने नहीं देगा भाई सिंगल, कोई दिक्कत नहीं, किंग कोइन सभी के पास यहाँ पे एबिलिटी है तो भाई क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। अगर स्केलेटन निकल भी जाता है तो क्या ही कर लेगा क्योंकि पॉइजन स्पेल है। एंड गाइस इलेक्ट्रिकल अटैक में मेन होता है किंग और क्वीन का एबिलिटी, तो किंग क्वीन दोनों का एबिलिटी रहना बहुत जरूरी है, या फिर किसी एक हीरोज का एबिलिटी आप लोगों के पास तो रहना ही चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है बाद में जाके, क्योंकि जो 30-40% बेस है ये तो भाई हीरोज ही निकलते हैं ये सब में। एंड इसको 2x4x2 कर लेते हैं क्योंकि भाई क्या ही देखना ट्रिपल हो चुका है, तो पॉइजन स्पेल का स्वैग कर दिया भाई। नंबर 7 के ऊपर किसने, सुमन जी ने। नंबर 8 के ऊपर वही वाला अटैक था, नंबर ये वाला था नंबर 9 के ऊपर जॉय भाई का अटैक। ये भाई डिफरेंशियल अटैक है, आप लोगों को डिफरेंशियल अटैक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे स्टोन स्लैमर उतर दिया भाई, ऐसा अटैक नहीं देखे होंगे आप लोग, मैं गारंटेड देता हूँ ऐसे अटैक आप लोगों ने भाई कहीं पर नहीं देखा होगा। देखो एक यहाँ पे क्या लिया यार डिफेंस, और गाइस यहाँ पे अच्छा टावर वगैरह थोड़ा बहुत, और देखो ये सब के लिए वार्डन का एबिलिटी यूज़ करते हैं, लून के लिए लून भला वाला एंड पूरा सुई कर दिया ठीक है, लून से इलेक्ट्रिक ड्रैगन दूसरी तरफ से उतारेगा भाई, खतरनाक वाला अटैक सीन है ये वाला अटैक है, बहुत रिस्की अटैक है गाइस, मत ट्राई करो बिल्कुल भी अगर आप लोग अच्छे नहीं हो इस वाले अटैक में, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा सुई कर दिया, सुई से 50% ले लेगा, उसके बाद गाइस 50% आर्मी से, बस आर्मी के लिए कुछ स्पेल वगैरह ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है, पूरा का पूरा सुई के ऊपर रहता है, 60-70% सुई से निकलता है। देखो अभी भी हीरो जिंदा है, अभी भी 10-12% तो निकाल ही देगा कैसे भी करके। ये वाला भाई खतरनाक वाला अटैक करते हैं, पर भाई कैसे भी करके टिपिल निकाल देता है कैसे पता नहीं, क्योंकि देखो ये एक अटैक नहीं है दूसरा अटैक भी ऐसा ही है पर टिपिल हो चुका है। आप लोग देखते बोलोगे भाई क्या ही टाउन हॉल मचा रहेगा, कुछ नहीं होगा भाई आराम से टिपिल, देखो क्योंकि क्वीन के पास एबिलिटी मचा रहेगा, फॉरन का एबिलिटी यूज़ कर लिया था वहाँ पे, मतलब खतरनाक सीन करते खतरनाक पूरा। यहाँ पे 20 करके दिखाए थे कैसा क्या हुआ था, एबिलिटी रन जाके भाई टाउन हॉल को निकाल दिया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ था।
एंड क्वीन ने लगभग गाइस किंग क्वीन भला वाला और लोन ने कम से कम यहाँ पे 70% बेस निकाल दिया था एंड इलेक्ट्रॉन के लिए भाई 30% बेस पड़ा हुआ था पूरा का पूरा। मतलब सुई लालो देखा हो ना, यहाँ पे सुई इलेक्ट्रिक ड्रैग अटैक होता है, सुई इलेक्ट्रिक ड्रैग कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 10 के ऊपर भी नहीं है भाई, नंबर 11 कितने नंबर के, नंबर 11 के ऊपर किया तो देखो सुई इलेक्ट्रिक ड्रैग अटैक, सुई इलेक्ट्रिक ड्रैग यहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी देखिएगा इस सबसे पहले तो कहाँ पे क्या कुछ उतारा जा रहा है पता नहीं, चलो देखते हैं। उतारो भाई, क्या सोच रहे हो यार, इतना टाइम से सोचने का क्या फ़ायदा, 1 मिनट 10 सेकंड में इसको ट्रिपल मारा था भाई ने, तो 4-5 सेकंड बाद। अच्छा यहाँ से देखो, पहले सबसे पहले तो स्टोन स्लमर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इधर से किंग क्वीन वार्ड एंड भाला वाला आ चुका है, उधर से लून आ चुका है, खतरनाक सीन है। अच्छा एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन भी उतार दिया एंड दूसरे तरह साइड से आ रहा है इलेक्ट्रिक ड्रैगन, जिसको भाई बस 30% बेच लेना है, बाकी तो भाई हीरोज ही काम कर देंगे। देखो यहाँ पे वार्डन का एबिलिटी आ चुका है, यहाँ पे भला वाला का एबिलिटी आ चुका है गाइस, किंग का एबिलिटी आ चुका है, क्वीन का एबिलिटी अभी तक इंटेक्ट है एंड एक रेज स्पेल बचा हुआ है एंड बेस खत्म लगे, बेस खत्म है गाइस, देख सकते हैं 80% बेस निकाल दिया है अभी एंड यहाँ पे रेज स्पेल प्री स्पेल भाई कुछ असर नहीं होगा, शायद भला वाला मर जाएगा, पर इलेक्ट्रिक ड्रैगन पहुँच चुका है तब तक। अच्छा भला वाला निकाल दिया था टाउन हॉल को एंड गाइस इलेक्ट्रिक ड्रैगन पहुँच चुका है, इलेक्ट्रिक ड्रैगन को लिए एक रेज स्पेल बस, क्वीन के पास अभी तक एबिलिटी है, अभी तक एबिलिटी है गाइस क्वीन के पास, अब हम जब कॉल एबिलिटी यूज़ कर दिया मतलब ये गाइस सुई करता है, सुई सुई इलेक्ट्रिक ड्रैगन अटैक देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं पे भी, गजब अटैक करते भाई। एंड एक और अटैक दिखाएंगे, चलो एक और एक दो अटैक दिखाएंगे गाइस, जो कि पाकिस्तान को हम लोगों ने बहुत अच्छे से धोया था। ये वाला अटैक हो गया, यहाँ पर मेरा वाला भाई नहीं देखना है, चलो रेडी मोगा जीके, जीके भाई ने क्या अटैक किया था, चलो देखते गाइस ड्रैगन अटैक वगैरह किया होंगे, ये भी इलेक्ट्रिक ड्रैगन अटैक, पर गाइस यहाँ पे ब्लेम वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था सीज मशीन, जो नीचे वाला ग्राउंड वाला सीज मशीन है, देखो इसका नाम क्या है भाई पता नहीं, पत्थर फेंक फेंक के मरता है उसका नाम होगा, इसको देखो जैप कर दिया पूरा का पूरा, यहाँ पे जैप इलेक्ट्रिक ड्रैगन देखने के लिए मिलेगा एंड टाउन हॉल शायद इसी से फोड़ दिया था, लॉग लुगाई लुंचा नहीं, लॉग लुगाई लुंचा हाँ, लॉग लॉग नहीं कराएगा इस, लॉग लुगाई लुंचा, लॉग लुंचा टाउन हॉल के पीछे गाइस ये था क्या बोलते इसको टेस्ला फार्म एंड सीसी में गाइस एक सुपर लोन और एक इलेक्ट्रिक ड्रैग, एक इलेक्ट्रिक ड्रैग ने पूरा का पूरा कोर खाली कर दिया एंड इधर से गले बाद मचा के रखे हैं, प्लस गजब गजब तरीके के यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रैगन अटैक देखने के लिए मिलेगा क्लैन के ऊपर, तो पाकिस्तान को धोने के लिए काफ़ी है। देखो यहाँ पे एबिलिटी दे दिया किंग का एंड ये बेस गाइस हो चुका है ट्रिपल, देखो वार्डन का एबिलिटी अभी तक इंटैक्ट है, बोले यूज ही नहीं किया, चलो इसको देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, गजब गजब करते मेरा ये अटैक है नहीं देखेंगे। मास्टर जी ने क्या कहा था, देखो मैटर मैटर चिंस की ऐसा कुछ नाम है भाई, ये नुगड़ा वाला भी इसका अटैक नहीं देखने वाले, चिवी हो जाए। 18 में अरिफ, अरिफ भाई ने क्या अटैक किया था 18 में, ये भी नुगड़ा बेस है गाइस, ये सब बेस भाई काहे लाते हो यार ट्रिपल खाने के लिए, उस तो भाई ने ये वाला उड़ाया था मास्टर मास्टर बिजनेस की यही वाला उड़ाया, तो चलो देखते ये वाला थोड़ा सा ढंका बेस है फिर भी पीएचडी गहरा के लिए। भाई ये तो भाई अलग ही सीन है इसका, ये तो इलेक्ट्रिक ड्रैगन लालो मतलब लाभा लोन के जगह ईलो कर रहा है, इलेक्ट्रिक ड्रैगन लोन पहले इलेक्ट्रिक ड्रैगन को उतार के बाद में लोन डाल रहा है भाई, पहले लोन डालता है बंदा उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्रैगन डालता है ताकि इलेक्ट्रिक ड्रैगन जिंदा रहे, पर इसका लोन को जिंदा रखना है इसको, मतलब गजब। चलो फिर भी स्पेल का इस्तेमाल सही कर रहा है एंड एबिलिटी थोड़ा लेट से दिया है क्योंकि जो आर्टिलरी था आर्टिलरी दूसरी तरफ था, तो ठीक ही है गाइस कुछ दिक्कत नहीं, आर्टिलरी की तरफ से इलेक्ट्रिक ड्रैगन अटैक करना चाहिए क्योंकि गाइस आर्टिलरी बहुत डैमेज देता है टीएच 11 वगैरह में, टीएच 15 के लिए भाई आर्टिलरी की दूसरी तरफ से भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मोनोलिथ वगैरह इंपॉर्टेंट है, पर टीएच 11 के लिए ठीक है गाइस आर्टिलरी की तरफ से अटैक करो। एंड ये ट्रिपल हो चुका है, कोई डिफेंस बचा नहीं है, तो इसको देखने का कुछ फ़ायदा नहीं, बाकी बाइक लेना आपका कम कर लिया इन लोगों ने। अच्छा ये 20 नंबर वाला अटैक था, 21 में किसने किया था सौरभ, तो ये ड्रैगन अटैक एक देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर एयर अटैक ही है, ये पूरा का पूरा जैप
ड्रग, जेफ ड्रग भाई TH11 में बहुत फेमस था एक टाइम में, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जेफ ड्रग होता था। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा उड़ा दिया जितना भी एयर डिफेंस था, एंड उसके बाद ड्रैगन आ जाएगा, बहुत फेमस अटैक था पहले एंड अभी के टाइम पे भी है पर उतना ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ से पूरा का पूरा ड्रैगन आ चुका है, पर ऐसा ड्रैगन डिप्लॉयमेंट का एक दिक्कत क्या है पता है, बहुत बड़ा जो दिक्कत है ऐसा ड्रैगन डिप्लॉयमेंट का कि गैस भटक जाता है ड्रैगन, थोड़ा सा दूर दूर डालना चाहिए क्लीन, मतलब थोड़ा सा फाइनल भी क्रिएट हो जाएगा तो ड्रैगन कोर में जाएगा, तो यहाँ पे ड्रैगन कोर में चला गया था तो इसलिए रिपील हो चुका है, पर अगर नहीं जाता तो गैस यहाँ पे फंस सकता था अटैक, क्योंकि भाई ऐसा ड्रैगन का डिप्लॉयमेंट अच्छा नहीं है बिल्कुल, मैं प्रेफर नहीं करूँगा, पर यहाँ पे रिपील हो गया है। रिपील हो गया है तो भाई करने में क्या ही बुरा है, रिपील से मतलब है अटैक कैसे भी करो। तो यहाँ पे देखो ड्रैगन भटक चुका है, 4-5 ड्रैगन तो यहीं पे घूम रहा है देखो, इसलिए मैं बोल रहा था ये अगर कोर में जाता ना तो भाई गजब तरीके से रिपील होता है, ये रिपील हो चुका है कोई दिक्कत नहीं। एंड गाइस सीसी में भी ड्रैगन था, ड्रैगन और लोन, एंड यहाँ पे भाई फूंक मार रहा है, फूंक मार रहा है पाकिस्तान को धो रहा है। एंड गाइस ये वाला बस ईगल आर्टिलरी एक डिफेंस नाम के बचा हुआ है, बाकी तो वाइस क्लीन अप है, क्लीन अप के लिए भाई किंग क्वीन अभी भी जिंदा है, ईगल आर्टिलरी आ जाएगा तो ट्रिपल है, ईगल आर्टिलरी आ चुका है तो गाइस ये अटैक देखने का कुछ फ़ायदा है नहीं, इसको 4x कर लेते हैं, क्या बोलते हो। देखो यहाँ से क्वीन दे दिया, क्वीन का एबिलिटी दे दिया भाई, जल्दी जल्दी क्लीन अप करना है, हो चुका है भाई शायद इसको डाला भी नहीं था किंग, विदाउट किंग इसको अटैक को ट्रिपल कर दिया। 22 नंबर के आरिफ जी का फिर से अटैक आया था, पापा मुगाम्बो का अटैक था, अनी जी का अटैक था, कस्तम भैया का, सौरभ भैया का और एक अटैक था। चलो ये वाला देख लेते हैं, लास्ट अटैक है आज का नंबर 10 के ऊपर, ये तो गाइस ट्रिपल होना ही था गाइस, इसको देखने का ज़्यादा कुछ है नहीं तो फिर भी देख लेते हैं। 10 में तो अटैक फुल हो ही जाएगा गाइस, यहाँ पे डिफेंस उड़ा दोगे तो क्या ही रह जाएगा, ना तो गला टलेगी है ना कुछ है, सिंगल्स क्या ही कर लेगा भाई, कितना ड्रैगन मारेगा सिंगल्स, उसके बाद किंग क्वीन भी है, एंड यहाँ पे चारों के चारों कंपार्टमेंट को ही उड़ा डाला गाइस, कुछ नहीं बचा कंपार्टमेंट के अंदर, एक मोर्टार करके बचा हुआ है, बेस खाली है, बस कोर में जाके 3x वो है और 2 सिंगल है, एंड यहाँ पर क्वीन को भाई एक फूंक में उड़ा दिया, क्वीन को कोर में रखना चाहिए था तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता था किंग क्वीन को, पर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे भी ड्रैगन भटका है, पर जो कोर में गया है 6-7 ड्रैगन वो भाई काफ़ी है इस बेस को कोड़ने के लिए, एक जेब बचा के रखे पता नहीं कहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे एक सिंगल आ चुका है, दूसरा सिंगल अभी भी जिंदा है, दूसरा सिंगल भी आ चुका है एंड बेस ख़त्म है। अब भाई ये एक्सबो कुछ नहीं कर पाएगा, ये एक्सबो भाई ऐसे ही दिखता है कि बहुत सारा बहुत कुछ कर लेता है पर कुछ नहीं भाई, एक ड्रैगन को मारेगा ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा तो ब्लैक माइन है भाई, एक एक बार में एक एक ड्रैगन को उड़ा डालता है। यहाँ पे क्वीन डाल चुका है पर डालने का कुछ फ़ायदा है नहीं, अगर नहीं भी डालता तो कुछ भी नहीं जाता, यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं जाता। देखो गाइस ये भी ट्रिपल, सारा का सारा ट्रिपल हो ही था, एक दो फेल हुआ था यहाँ पे TH14 से TH15 के ऊपर अटैक आया था तो ये वाला फेल हुआ था, एंड और ज़्यादा कुछ नहीं है, बोले एक अटैक करते लाइव अटैक मजा आएगा, उसके बाद बंद करेंगे गाइस आज के लिए, क्या बोलते हो, अच्छा खासा बेस के ऊपर अटैक करेंगे ऐसा नोबड़ा भाई, यहाँ पे TH13 वाला बेस है, लूट कुछ भी नहीं है, लूट भी चाहिए ना हम लोगों को, 9 लाख का लूट इसमें करेंगे गाइस, TH14 का भी अच्छा खासा मैक्स भी है और लूट भी है, ठीक है चलो देखते गाइस। इस वाले बेस में मेरा अटैक बहुत बार फंसा है, इस बार कोशिश करेंगे गाइस ट्रिपल आए, चलो इधर से ही करेंगे, इधर से करना नहीं चाहिए था पर फिर भी इधर से ही करेंगे, दूसरा कुछ रास्ता है नहीं, एक और लोन देंगे तो ये वाला आ जाएगा आराम से, स्कैटर शॉट उधर किंग मर रहा है तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा अटैक, नहीं तो किंग मर जाएगा, इनको पकड़ लिया है ने, कुछ भी दिक्कत अभी तक है नहीं गाइस, यहाँ पे एबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेस पे लाएगा, यहाँ पे ग्रेस पे लाएगा, एंड यहाँ पे एक फ्रिज भी डाल देंगे, चलो यहाँ पे एक रेज, यहाँ पे एक फ्रिज, इधर से भाला वाला को डाल देंगे गाइस हेल्प के लिए,
इनके साथ जाएगा आराम से, बातचीत करते हुए यहाँ पे ग्रह जाएगा, कुछ भी आएगा। एंड गाइस ये वाला बेस उड़ चुका है, कुछ भी नहीं बचा है सब इस बेस के ऊपर। ये सब फ्री स्पेल का स्वैग कर सकते हैं हम लोग, एंड किंग और भाला वाला कैबिलिटी का भी स्वैग कर सकते हैं। चलो गाइस दो फ्री स्पेल का स्वैग कर देते हैं, एंड जो क्लैन कैसल वाला है वो वाला रख लेते हैं कि भाई वो फ्री से मंगवाना पड़ता है। चलो दो फ्री स्पेल का स्वैग के साथ ये हो चुका है ट्रिपेल, और एक फ्री स्पेल साथ में ले चुके जाएंगे खाना खाने के लिए, भाई बहुत ठंडा है फिर भी लेके जाएंगे मेरे साथ। खत्म करो कहानी, नहीं तो कीटाणु मरने में 10 घंटा लगाएगा। सो चुका है ट्रिपेल आराम से, बड़ा आराम से, लेकिन एकदम खतरनाक है भाई, खतरनाक कुछ नहीं बोलो, बड़ा खतरनाक है। एंड गाइस चलो हम लोग का वर्क फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, सबको करना पड़ेगा, इसको नहीं करना है। चलो चलो हाँ चलो इस नंबर का फिर से करेंगे, वहाँ रमी वार से लगा दिया, ऐसे इस बार कौन आता है, पिछले बार पाकिस्तान आया था, अच्छे से रेल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो, इतना अच्छे से वीडियो देखकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अभी करो, मुझे नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।